तो अब हम लोग सीख रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम आया तो आया कहाँ से, आप लोग बेसिक टू आप हाई की ओर हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और एक एक बात को समझिएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इस वीडियो के बाद आपके क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में है क्या, नंबर सिस्टम आया तो आया कहाँ से। शुरुआत में जो प्रकृति से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए गिनती स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो आप तो गिन लिए, नेचुरल नंबर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात करते हैं कि नेचुरल नंबर के आने के बाद भी हमारी संख्याएं पूर्ण नहीं हुई। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि अगर 1005 लिखना है, 1005 कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 1005 लिखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जीरो की जरूरत पड़ेगी। यानी जब जीरो की खोज हुआ, जब जीरो को खोज हुआ तब हमारी संख्या क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। यानी जीरो के साथ में गिनती की जितनी भी संख्या है, जीरो के साथ में गिनती की जितनी भी संख्या है वो टोटल्स क्या है, आपके होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी आपकी संख्या जीरो के साथ आने से क्या होगी, संख्या क्या होगी, पूर्ण हो गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत सारी संख्याएं बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, बहुत सारी संख्याएं बन गई, बहुत सारी संख्याएं बन गई। तो हमने ऑब्जर्व किया, उनमें से कुछ संख्याओं को देखा ध्यान से, तो उसमें से कुछ ऐसी भी संख्याएं मिली जो दो से क्या हो जाए, कट जा रही है, जो दो से क्या हो रही है, कट जा रही है। ऐसी संख्याओं का हमने नाम दे दिया क्या, इवन नंबर। इस संख्या का नाम क्या दे दिया, इवन नंबर दे दिया। और इसमें डिस्कवर किए और इसको खोज किए, और उनमें से देखा कि और बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो दो से नहीं कट रही है, उन सारी संख्याओं का नाम क्या दे दिया हम लोग, उसको हम नाम दे दिया ऑड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। इसी तरह आपको संख्याएं मिलती जा रही हैं। अब उसके बाद और इसमें हमने देखा कि कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो सिर्फ ओनली वन और इट सेल्फ यानी स्वयं से क्या कर रही है, डिवाइड हो रही है, उसमें भाग लग रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसमें खोज किया तो बहुत सारे चीज हमको मिला कि ऐसी भी संख्याएं मिली जो वन और इट सेल्फ के अलावा और संख्याओं से उसमें भाग लग रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद आया कि बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम लोग जब कोई चीज़ देते हैं तो हमें क्या चीज़ करना होगा, और लेते हैं तो क्या चीज़ करना, यानी संख्याएं बढ़ रही है या घट रही है, तो हम लोग उस समय आ गया क्या, प्लस माइनस का सिंबल आ गया, हमने प्लस माइनस का भी सिंबल सीख लिया। अब क्या बन गया, एक तो प्लस माइनस एंड नेगेटिव दुनिया, हमने एक नंबर सीरीज में नेगेटिव दुनिया बना लिया, नेगेटिव सीरीज बना लिया, यानी -1 -2 -3 -4 का एक नेगेटिव सीरीज बन गया। ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव सीरीज है। ऐसी टोटल संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स इसको बोलते हैं पूर्णांक। यानी नेगेटिव संख्या है प्लस पॉजिटिव संख्या है प्लस जीरो, इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड, इंटीजर्स एक को हम लोग नेगेटिव सीरीज वाले संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और पॉजिटिव सीरीज वाले श्रृंखला को क्या बोलते हैं, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जो यहाँ पे जीरो बचा हुआ है, नहीं तो नेगेटिव है नहीं तो पॉजिटिव है। तो आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या आया, रेशनल नंबर आया, इरेशनल नंबर आया, उसके बाद रियल नंबर आया। तो जितने भी हम आपको डिस्कस करेंगे आप थोड़ा सा समझते हैं रेशनल नंबर और री रेशनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टेंथ के लिए। आप समझ रहे हैं टर्मिनी रेशनल नंबर और ई रेशनल नंबर, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्लास टेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रियल नंबर चैप्टर के लिए। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर, फिर वैसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, विच नंबर इज डिनोटेड बाई पी बाई क्यू, वैसे नंबर वैसी संख्या है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके रेशनल नंबर बोलते हैं। बस इसमें एक कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपके जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके रेशनल नंबर। तो भाई रेशनल नंबर में कौन कौन संख्या आ गया, जितनी भी संख्या अभी पढ़ा है आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, आपके प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल आर रेशनल नंबर, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। बस सिंपल सा ट्रिक है पहचानने का, बहुत ही आसान है, आपको भी आ जाएगा।
बस सिंपल सा ट्रिक है, रेशनल नंबर को पहचाने हैं कैसे, तो आपको सिंपली याद रखना है फर्स्ट ट्रिक क्या है कि कुछ नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करने पे कुछ डेसिमल के बाद क्या होते हैं, पूरी पूरी से कट जाते हैं, कुछ डेसिमल के बाद पूरी पूरी से कट जैसे कट जाते हैं। जैसे कि हम लोग 25 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ समय बाद कट जाएंगे, यानी 6.25 जाते जाते ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको टर्मिनेटिंग आफ्टर डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन। इस ट्रिक को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग आफ्टर डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन। या तो आपके कुछ डेसिमल के बाद क्या होंगे, जाएंगे कट जाएंगे तो सारे क्या है रेशनल नंबर है, या तो क्या करेंगे रिपीट होने लगेंगे, नंबर क्या होंगे कुछ डेसिमल के बाद रिपीट होने लगेंगे। जैसे कि हम लोग 10 में 3 से डिवाइड करेंगे, 10 में 3 से हमने डिवाइड किया तो इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट ये रिपीट होने लगेंगे, तो ऐसी संख्याएं क्या होगी रेशनल नंबर है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, अगर वो कुछ डेसिमल के बाद क्या हो रही है कट जा रही है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग आफ्टर डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और कुछ ऐसी भी संख्याएं आपको रेशनल नंबर हो सकती हैं जो क्या है आपके कुछ डेसिमल के बाद क्या होने लगे रिपीट होने लगे, तो ऐसी संख्याएं क्या है आपकी रेशनल नंबर है। तो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब बात करते हैं इरेशनल, तो इरेशनल पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें था टर्मिनेटिंग, इसमें क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये सब क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल के बाद किसी संख्या को हमने डिवाइड किया 0.123235 यानी ऐसी कोई संख्या, मतलब कि लगातार कोई ना कोई संख्या बदलती रह गई डेसिमल के बाद, तो ऐसी संख्या क्या होगी इरेशनल नंबर हो गया। पाई भी क्या है इरेशनल नंबर है, रूट टू भी क्या है इरेशनल नंबर है, रूट थ्री भी क्या है इरेशनल है, रूट फाइव भी क्या है इरेशनल है, रूट सेवन भी क्या है इरेशनल है, जितने जो भी कंप्लीट रूट ना हो, जिसका कंप्लीट रूट ना निकल सके वो सब क्या है इरेशनल नंबर है। आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल को हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर। अब थोड़ा सा और डिफाइन से समझ लेते हैं कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, दूसरे को बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर का आपका हम पहचानने का आसान सा ट्रिक बता दिया और इरेशनल को पहचानने का आसान सा ट्रिक बता दिया। अब आते हैं मेन टॉपिक, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लीमा, आइए इसको समझते हैं।